पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की आपकी जॉब रिलेटेड रहेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर से, बट ये पोस्ट आपकी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है, इसमें आपकी वेरियस टाइप की पोस्ट है, लाइक एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन। आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट में भी काफ़ी सारे डिसिप्लिन, काफ़ी सारी पोस्ट कवर हो रही है। प्लस एक आपकी पोस्ट थी वाइस चांसलर, एक आपकी पोस्ट थी रजिस्ट्रार, तो काफ़ी सारी आपकी पोस्ट कवर हो रही है। प्लस अगर आप फैकल्टी या टीचिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो आपके वेरियस नंबर ऑफ डिसिप्लिन है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ डिसिप्लिन इस पर्टिकुलर पोस्ट में कवर हो रहे हैं, रिलेटेड टू आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मास कम्युनिकेशन, आपके मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी सारे डिसिप्लिन यहाँ पे कवर हो रहे हैं। और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी आपके काफ़ी सारे डिसिप्लिन कवर हो रहे हैं। तो हम आगे वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी पीएचडी बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ये एक परमानेंट प्लस गवर्नमेंट टाइप की जॉब है, तो आपके अलाउंसेस भी ऐड हो सकते हैं। तो हम आगे सारी वीडियो में सारी डिटेल कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपकी नोटिफिकेशन है, इसमें आपकी वेरियस टाइप की जॉब है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द टीचिंग डिपार्टमेंट। डीन, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, विजिटिंग फैकल्टी इन द फ्लोइंग डिपार्टमेंट्स और फैकल्टी। यहाँ पे हम डिसिप्लिन कवर करते हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन में आपकी जॉब है, लाइक अकाउंट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, टैक्सेशन, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एचआर, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग सर्विसेज, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, सीएससी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी, योगा, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल वर्क, इंग्लिश, फार्मेसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जॉलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिज़ाइन। मतलब इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि आपके मोस्टली सारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। फिर भी मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, ऑप्टोमेट्री, फार्मेसी, आयुर्वेदा, योगिक साइंस, साइकेट्रिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एमएलटी, फिजिकल एडुकेशन, एडुकेशन, इंटरनेशनल लॉ, साइबर लॉ, ह्यूमन राइट्स, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स, एथिक्स, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, पेशेंट करियर, पेशेंट केयर मैनेजमेंट, पैरामेडिकल एंड हेल्थ केयर, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, संस्कृत, नर्सिंग, पैरामेडिकल, ये सारे टाइप की यहाँ पे जॉब आपकी कवर हो रही है। इसमें आपके मोस्टली मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हो। प्लस आपकी जो नॉन टीचिंग जॉब है उसमें आपकी कौन कौन सी जॉब है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डायरेक्टर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, एचआर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पीआरओ, एस्टेट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सिविल, अकाउंट मैनेजर, आईटी मैनेजर, मेस मैनेजर, हॉस्टल वार्डन, गर्ल्स या बॉयज, हाउसकीपिंग, सुपरवाइजर, कैंपस सिक्योरिटी, ऑफिस स्टोर मैनेजर, स्टोर कीपर, अकाउंट असिस्टेंट, सुपरवाइजर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, काउंसलर, ग्राफिक्स डिजाइनर, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, मार्केटिंग हेड, टीम लीडर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड टेलीकॉलर। तो यहाँ पे आपकी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग में भी काफ़ी सारी पोस्ट कवर्स हो रही है, वेरियस डिसिप्लिन है, डिफरेंट टाइप की जॉब है। प्लस यहाँ पे और भी जॉब है आपकी फॉर द वाइस चांसलर, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसमें आपका 10 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी सिस्टम, और 10 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ इक्विवेलेंट पोजीशन इन अ रेपुटेटेड रिसर्च और कोई एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। प्लस अगर आप रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 15 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें से आपके जो 8 ईयर्स हैं वो होना चाहिए डिप्टी रजिस्ट्रार का एंड इक्विवेलेंट पोस्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिशन, एकेडमिक शेड्यूलिंग, डाटा मैनेजमेंट, कॉन्वोकेशंस, यहाँ पे आपको अपने रोल्स भी मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे आपकी कौन सी टाइप की जॉब हुई, टीचिंग में वेरियस टाइप के डिपार्टमेंट्स कवर हो रहे हैं, नॉन टीचिंग में वेरियस टाइप के डिपार्टमेंट कवर हो रहे हैं, वाइस चांसलर में आपको जॉब मेंशन कर रखी है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा है, तो इसको मेंशन कर रखा है कि आपकी क्वालिफिकेशन बस आपके पास एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए।
प्लस अब आप सोच रहे हो कि आपके पास असिस्टेंट एसोसिएट या प्रोफेसर की या फैकल्टी में आप कोई भी जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो आपके एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी? तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर UGC AICT BC। इन सब के रेगुलेशन का लिंक मैंने आपको मेंशन कर रखा था, जैसे UGC रेगुलेशन AICT रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन प्लस आपका एक्सपीरियंस क्या क्या रहेगा। आप वहाँ से चेकआउट चेक कर सकती जॉब कहाँ से रिलीज हुई है, या आपकी जॉब रिलीज हुई है श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC एंड एस्टैब्लिश अंडर द CGPURC एक्ट, या आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है, या आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है नियर धमतारी रोड रायपुर। तो यहाँ पे आपको अपना फॉर द एनी क्वारीज आप कॉल नंबर प्लस ईमेल एड्रेस दोनों मेंशन कर रखा है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कैसे करोगे? इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मेंशन है, मैं आपको भी इसकी साइट पे विजिट कराती हूँ। जो साइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। प्लस यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है नोटिफिकेशन, यही नोटिफिकेशन है, सब इतनी ही नोटिफिकेशन उन्होंने मेंशन कर रखी है, उसमें आपको कोई एडुकेशन क्वालिफिकेशन अलग से मेंशन नहीं कर रखी है, उन्होंने मेंशन कर रखा अकॉर्डिंग टू UGC नॉट्स। ठीक है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का एक लिंक दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है तो आपको एक नया इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक गूगल फॉर्म मेंशन कर रखा है, आपको उसको फुलफिल करना है, दैट्स इट। जैसे आपको अपना ईमेल एड्रेस, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, आपकी 10th में कितने परसेंटेज थे, कौन से ईयर में आपने पास आउट की, कौन सा बोर्ड था, 12th में आपके कितने परसेंटेज थे, ईयर कौन से पास आउट हुआ, कौन सा बोर्ड था, ग्रेड क्या था, अंडर ग्रेजुएशन में कौन सी क्वालिफिकेशन थी, स्पेशलाइजेशन थी तो मेंशन कर दो, कौन सी यूनिवर्सिटी से थी, कितने परसेंटेज थे फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके स्पेशलाइजेशन, कॉलेज परसेंटेज, अगर PhD क्वालिफाइड हो तो हाँ कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो PhD नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी ईयर से आपकी PhD पास आउट हो, यूनिवर्सिटी का नेम, नेट सेट क्वालिफाइड है, प्लस अदर कुछ भी आपके पास क्वालिफिकेशन या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका क्वालिफाइड हो तो वो भी मेंशन कर सकते हो, कौन से डिपार्टमेंट से अप्लाई किया था, अगर आपके कोई पेपर है, ये सारी आपकी नेट की डिटेल्स है कि आपके कोई इंटरनेशनल या नेशनल जर्नल में आपके पेपर पब्लिश हुए या कौन सी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज आपने अटेंड की है, वो सारे PhD स्टूडेंट्स के लिए अब तक किया है, वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी थी, सैलरी सर्टिफिकेट, एक्सपेक्टेड सैलरी आप कितनी सोच रहे हो, अगर आप 50,000 से ज़्यादा अपनी सैलरी डिमांड कर रहे हो तो उसका रीज़न क्या है, आधार नंबर, पैन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें, एंड अपनी CV अपलोड करना, अट्रैक्टिव CV यहाँ पे अपलोड करना, ठीक है, एंड देन सबमिट। आपका बस छोटा सा ही फॉर्म है, आपको एक गूगल फॉर्म के थ्रू आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई करना। आई होप सो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दे, हैप्पी डे।